नमस्कार मित्रों, सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है, सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है, सोमवती अमावस्या पर किस वृक्ष की परिक्रमा कितनी करें और कथा क्या है, सारी जानकारी एक ही वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखती है। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या वर्ष में एक या दो बार ही आती है। विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना से सोमवती अमावस्या पर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं। सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए भगवान विष्णु जी की पूजा सोमवती अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन स्नान दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऋषि व्यास जी के वचनानुसार इस दिन मौन व्रत रखना चाहिए, तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए, इससे सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को सोमवती अमावस्या का महत्तम समझाते हुए कहा था कि सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके मनुष्य समृद्ध स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्ति पा सकता है और इसके साथ ही पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। सोमवती अमावस्या की पूजा में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी जी के निमित्त सुहाग किया सामान चढ़ाया जाता है, जिसमें बिंदी मेहंदी चूड़ी और साड़ी ब्लाउज ये सब चढ़ाकर आप किसी ब्राह्मणी को दान कर दीजिए। उसके बाद पीपल वृक्ष को सींचकर और धागा लपेटते हुए 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आप गिनने के लिए कुछ चने के दाने, मूंगफली के दाने ले सकते हैं और उसके बाद भगवान विष्णु जी की पूजा करें। धान पान और हल्दी को मिलाकर विधि पूर्वक उसको चढ़ाएं और तुलसी के पौधे पर भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपके यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है तब आप तुलसी के पौधे को भी सारा सामान चढ़ाकर तुलसी के पौधों के चारों तरफ 108 परिक्रमा लगा सकते हैं और उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वह सभी में बांटकर स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या का त्यौहार महिलाओं के लिए प्रमुख त्यौहार है। महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन व्रत करती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। जो महिलाएं हर अमावस्या का व्रत नहीं कर सकती वह सोमवती अमावस्या को व्रत तो अवश्य ही करें। पीपल के पेड़ की 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा करें। इस व्रत के करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सोमवार को चंद्रमा का दिन है और इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा का एक सिद्ध में स्थित रहने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। 2023 में सावन मास की सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 को है। अमावस्या की शुरुआत 16 जुलाई को रात को 10 बजे हो जाएगी और समाप्त 18 जुलाई को दोपहर 12 बजे होगी। इसीलिए सोमवती अमावस्या का त्यौहार 17 जुलाई 2023 को मनाया जाएगा। सोमवती अमावस्या के दिन कहानी भी आप अवश्य सुने, चाहे आप व्रत करें या ना करें, लेकिन इस दिन कहानी आप अवश्य ही सुने। कहानी भी हम इसी वीडियो में आपसे सुना रहे हैं। वैसे तो सोमवती अमावस्या की अनेक कहानियां हैं, लेकिन पौराणिक कहानी इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की ने समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुण आ गए। लड़की सुंदर गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कन्या के सेवा भाव से बहुत ही खुश हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति यह सब सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और उन्होंने साधु महाराज से कन्या की लंबी उम्र के साथ साथ उसकी विवाह रेखा ना होने का कारण पूछा और पूछा कि कैसे इसके विवाह
हाथ में विवाह योग बन सकता है। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन रहती है। वह महिला अपने बेटे और बहुओं के साथ रहती है और वह बहुत ही आचार विचार और संस्कार वाली पति प्रायण स्त्री है। यदि यह कन्या सोना धोबन की सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद ही इस कन्या का विवाह होगा। इस कन्या का वैधव योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई करके अन्य काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपनी बहुओं से पूछती कि तुम तड़के ही उठकर सारा काम कर लेती हो, पता भी नहीं चलता। बहुओं ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारा काम करती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन तड़के आकर उनके घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है, सारा काम करने के बाद जाने लगती है। जब वह जाने लगती है, सोना धोबन उसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही हुई सारी बात सोना धोबन को बता दी। सोना धोबन पतिप्रायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। अब जब उसे इस बात का पता चला तो वह घर से निर्जल ही चली गई। वह सोचकर कि रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा, उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के 108 टुकड़े भर कर भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करने से उसका मृत पति जीवित हो गया। अब तो सोना धोबन की जय जयकार होने लगी। इस तरह से मित्रों, जो भी सोमवती अमावस्या पर पीपल पेड़ की 108 भंवरी देते हैं, व्रत रखते हैं, उसे अखंड सौभाग्य, सुख समृद्धि, अच्छी संतान का आशीर्वाद मिलता है। आपको भी सोना धोबन की यह कथा और सोमवती अमावस्या की जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय सोमवती अमावस्या।